जैसा कि आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि बिग बॉस के सीजन 15 की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। ऐसे में प्रतीक की एंट्री ने बिग बॉस के ओटीटी प्लेटफॉर्म की यादें ताजा कर दी जिनको कोई भी याद नहीं करना चाहता था। वेल, जैसी नौटंकी प्रतीक की बिग बॉस के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ग्रैंड प्रीमियर पर देखने को मिली थी, वैसी ही कुछ नौटंकी हमें बिग बॉस के 15 सीजन में भी देखने को मिल रही है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्रतीक ग्रैंड प्रीमियर का एक मोड तैयार करके आते हैं कि उनको किस तरह से बिहेव करना होता है। और वेल, जिस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते बिग बॉस की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गुजारे और ग्रैंड प्रीमियर के बाद उनका वही मोड ऑन हो गया, यार तुमने कॉल नहीं किया, मैंने तो कॉल किया था, तुमने हालचाल नहीं पूछा, तुम मेरे कनेक्शन में नहीं थी, तो ये सब बातें जो हमें पहले भी बिग बॉस की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई थी, जो भी इन्होंने दिव्या अग्रवाल के साथ उस टाइम पे किया था, वैसे ही हमें फिर से कुछ मायशा के साथ भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिव्या अग्रवाल भी ट्वीट कर ये चीज़ कहती हैं, प्लीज एवरीबडी कीप कॉलिंग हिम ऑन हिज फोन वरना हर बार ये यही बात पे लड़ेगा #BigBoss15। और बिग बॉस के सीजन 15 में एंट्री के बाद उनका जो एरोगेंट देखने को मिला वो जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, जैसे कि आप इन ट्वीट्स में भी देख सकते हैं। प्रतीक सहजपाल मेड बिग मिस्टेक ऑन ओपनिंग एपिसोड ऑफ बिग बॉस सीजन 15। दिस ओवर एटीट्यूड सीम्स ही डिडंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम मेकिंग बिग मिस्टेक ऑन बिग बॉस OTT। होप ही कम बैक इन फ्यूचर एपिसोड्स। वेल, प्रतीक को भी ये सोचना चाहिए कि उनका एंटरटेनिंग, रोमांटिक और इमोशनल साइड जनता को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनका ये एरोगेंट बिहेवियर जनता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वेल, लेकिन जो धमाके उन्होंने बिग बॉस के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किए हैं, वैसे ही कुछ एक्सपेक्टेशन बिग बॉस के सीजन 15 से भी की जा रही है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है प्रतीक की एंट्री के बारे में, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।